हाय हेलो बच्चा पार्टी। तो अब आपका सीजी का जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो काउंसलिंग की डेट्स है, वो आ चुकी है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और आप देखिए, मैंने इसके पहले कुछ एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मतलब सीजी डीएमई वालों ने वो वीडियो देख के ही आपको बता दिया है। अब जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, आप कुछ लोग तो आ जाते हैं सिर्फ कमेंट करने के लिए, उनके लिए मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो उन बच्चों की बातें। तो मैंने आपको ये डेट्स ही दी थी, अगर आपको पता हो ये फाइनल डेट्स आ चुकी है। तो देखिए, हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, और जो फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट की, मतलब जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चॉइस फिलिंग कराना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, वो इस डेट्स में होंगे, 6 से 14 नवंबर के बीच। मतलब 6 से स्टार्ट हो जाएंगे, 14 नवंबर तक यही सब चलेगा। 14 नवंबर को ये खत्म होने के बाद हमारी जो इसकी लिस्ट है, मतलब जो आपको अलॉटमेंट लिस्ट है, वो मान लीजिए 15 नवंबर या 16 नवंबर को आ जाएगी। उसके बाद आपके पास 18 नवंबर तक आपको जो कॉलेज मिल चुका है वहां जाके एडमिशन लेना होगा। उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो हमारी, मुझे लगता है यहाँ पे 4 नवंबर लिखा हुआ है नोटिस में, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 दिसंबर है ना। तो 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में चलेगी, है ना। आपके मानिए लास्ट डेट 10 दिसंबर है, ठीक है। और ये भी है पक्का कि 31 दिसंबर के बाद ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारी वहां पे ऑल इंडिया स्टेट्स की जो सीट है वो कन्वर्ट उसके बाद ही होंगी स्टेट में, ठीक है। तो ऑल इंडिया की सेकंड काउंसिल या मोपअप राउंड जो हमारा खत्म हो रहा है वो 31 को हो रहा है, उसके बाद ही होगी। इसलिए यहाँ पे 4 नवंबर नहीं, 4 दिसंबर है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। 10 दिसंबर तक चलेगी, फिर आपका 11 तारीख को मान के लिए अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। फिर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपकी वो 14 दिसंबर है, मतलब 11 को आपकी लिस्ट आने के बाद आपको 14 दिसंबर तक कॉलेज लेना है। उसके बाद मोपअप राउंड जो आपका होगा वो 17 से 22 दिसंबर के बीच में होगा, किसी भी डेट पे होगा। और मोपअप राउंड में जो आपको कॉलेज मिलेगा उसकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, कॉलेज में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट होगी, 25 दिसंबर होगी। बच्चा मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का शॉर्ट मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो फेक है। बच्चा थोड़ा दिमाग लगाओ, आप कैलकुलेशन करो। मैंने उसका आपको ये भी बता दिया है कि वो मैंने सोर्स बता दिया कि वो न्यूज कहाँ से ली है, टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वो गलत न्यूज नहीं छापेगा। गलत न्यूज क्यों है भाई, ये बताओ तो मुझे। उसमें मैंने आप कैलकुलेट किया कि जो 550 से जितने बच्चों के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हमें बता रहा है कि कितने हैं, वो 49,000 के आसपास हैं। और ओबीएस बात है कि 549 में रैंक भी हमारी 49,000 आई है, वो कोई फेक नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट है, वो ऑथेंटिक डेटा है। और जिसको ऐसा लगता है ऐसा नहीं है तो भाई मत करो यार, बिलीव आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है। लेकिन मैं जेन्युइन डेटा आपको दे रहा हूँ, जेन्युइन चीजें ही आपको बता रहा हूँ। और एक बात और मुझे बताना था आपको कि बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि भैया, बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर तो ऐसा जो आप डेटा दे रहे हो वो गलत है, ऐसा है वैसा है। बच्चों, लास्ट ईयर आप जो मेरिट लिस्ट देख रहे हैं ना अपनी स्टेट की, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हाई मार्क्स पे जो आपका स्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुने, जो अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि या तो वो ऑल इंडिया से ले लेते हैं, या उनको एम्स मिल जाते हैं, ये सब कॉलेज मिल जाते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते स्टेट का, इसलिए उनके नाम नहीं होते वहां पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो बच्चे वहां पे नहीं थे, वो बच्चे वहां पे है। बच्चा पार्टी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जो डेटा दिया बिल्कुल करेक्ट है, कलेक्ट है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई नहीं है, ऑथेंटिक डेटा है, उसमें कोई भी फेक डेटा नहीं है, वो ओरिजिनल है। इसलिए इस चैनल पे सिर्फ ओरिजिनल चीजें ही डाली जाती हैं। और अगर आपको मेरे प्रिडिक्शंस देखने हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो पहले बनाया था, मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट्स दी थी क्या होने वाली, और सेम टू सेम एक दो दिन ऊपर नीचे है, वही की वही डेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो बाय बाय।